इस्लाम ने प्रॉफिट के ऊपर कोई लिमिट नहीं रखी है। ये बात अंडरस्टूड है कि कुछ बिजनेसेस में ज्यादा प्रॉफिट की जरूरत होती है, कुछ बिजनेसेस में जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है, मतलब वेटिंग टाइम लंबा होता है, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मूव नहीं होता है, जैसे लग्जरी गुड्स होते हैं ना, उसके अंदर फास्ट मूविंग नहीं होते हैं, वो स्लो 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 बिकते हैं। अब उसके अंदर जब वो स्लो स्लो बिकता है तो एक ज्यादा प्रॉफिट की जरूरत होती है ताकि वो इंडस्ट्री सर्वाइव हो सके। अब जो लोग ये कहते हैं ना इतना प्रॉफिट तो लेना हराम है, ये ऐसा कंक्लूसिवली नहीं कह सकते हैं। हाँ, ब्लैक मार्केटिंग करना हराम है, हाँ झूठ बोल के बेचना हराम है, हाँ किसी की इग्नोरेंस का फायदा उठा करके बेचना हराम है, हाँ लोगों के साथ नरमी करना बेटर है, लेकिन प्रॉफिट के ऊपर लिमिट नहीं लगाई गई है, जिस तरह से लॉस की लिमिट नहीं है। क्या हम कह सकते हैं कि ताजिर को मैक्सिमम 10% लॉस होना चाहिए, 15% नहीं होगा, या 20% हो 25% लॉस नहीं हो? ताजिर के लॉस की कोई लिमिट नहीं है, उसके प्रॉफिट की भी कोई लिमिट लगाना कुरान और हदीस से साबित नहीं है। तो ये चीज जो है, जो लोग इस बारे में थोड़ा कहते हैं विदाउट नॉलेज, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है।